आजम खान पर लगाए गए बैन पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की निंदा। रामपुर में समाजवादी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर आजम खान पर लगाए गए बैन की कड़ी निंदा की और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। सपा के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह और सपा के नगर अध्यक्ष आसिफ राजा साथ ही आजम खान के मीडिया प्रभारी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। रोज रोज दम घोटना, आजम खान साहब पे ये जुल्म और ज्यादती करना, क्या कहे फिर भाई पॉलिटिकल लीडर, और क्या कहे? आजम खान ने क्या चीज कही है कि आजम खान को अधिकार नहीं है कि जिला अधिकारी गलत काम कर रहे हैं तो उनके कामों पर तंकीद कर? आजम खान को ये अधिकार नहीं है कि अगर जिला अधिकारी और जिला प्रशासन को मुसलमानों को वोट में डालने की साजिश कर रहा है तो अपनी बात कहें? भाई लिख के भी कही, जिला लिख के भी कही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तकरीर में भी कही, आपने दरख्वास्त का एक का भी जवाब नहीं दिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल उसी पैटर्न पे काम कर रहा है। न्यायालय से भी बड़ा हो गया है इलेक्शन, बीजेपी चाहती थी न्यायालय से भी बड़ा हो गया है, नहीं लग तो यही रहा है। अब तो सूरत हाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट खुद परेशान है इलेक्शन कमीशन से। पहले तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा जब बीजेपी के लीडरों के खिलाफ इलेक्शन नहीं लिया, लोग गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ने यही तो कहा कि हमारी अख्तियार नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये लगातार सुनाई कि आइए हम आपको बताएं हमारे अख्तियार, तो इलेक्शन कमीशन की समझ में आ गया है नहीं हमारे अख्तियार है साहब, हमारे अधिकार है, हम एक्शन लेंगे। लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा, आज हम ही नहीं, देखिए पूरा हिंदुस्तान परेशान है, सारी हिंदुस्तान की अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट गई भी, आपको पता नहीं है मीडिया को, तो राजा साहब ये बताइए गई भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी लीडरों के खिलाफ एक्शन ही नहीं ले रहा है। हिंदुस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि 50-100 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने, दानिश्वरों ने, इंटेलेक्चुअल ने राष्ट्रपति को दरख्वास्त दी है कि इलेक्शन कमीशन का रोल गलत है। नहीं सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है करना, सुप्रीम कोर्ट तो करना चाह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको, सुप्रीम कोर्ट तो पूरी हिंदुस्तान की अपोजिशन कही है, कल की तारीख लगी हुई है, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। क्या बीजेपी को खतरा है आजम खान से? स्टार प्रचारक हैं वो, इसलिए उनको प्रतिबंध लगाया गया? अब वो जाहिर है उन्हें तो एक ही खतरा है, उन्हें एक ही खतरा है बीजेपी को हमेशा रहा है कि कमज़ोर की आवाज़ ऊपर नहीं आए, कमज़ोर को उसका हक नहीं मिले, कमज़ोर को और दबा दो। और आजम खान कमज़ोर की आवाज़ हैं, आजम खान अल्पसंख्यकों की आवाज़ हैं, दलितों की आवाज़ हैं, पिछड़ों की आवाज़ हैं, इस आवाज़ को दबा दिया जाए तो बीजेपी की कोशिश नहीं, कितना परेशान करती है बीजेपी मोदी से लेकर योगी तक।